Hi friends, this is Amisha and I welcome you all to my YouTube channel Amisha's Lifestyle and Family Vlog. तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ जिस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ वो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों की स्किन की प्रॉब्लम है जो है ओपन पोर्स की प्रॉब्लम. Our skin has millions of open pores, but not all the open pores are visible by the naked eye. These are very, very small pores. Open pores are small pores which are present on the skin of our body, which makes our skin able to breathe. तो pores हमारी skin के लिए important है, इसलिए pores का होना problem नहीं है, but pores का large हो जाना problem है. अब हमारी बॉडी के किस पार्ट में सबसे ज्यादा पोर्स विजिबल होते हैं वो है फेस. सबसे ज्यादा आप देखेंगे फेस के इस एरिया में, चीक एरिया में, यहाँ पे और फोरहेड एरिया पे, यहाँ पे लार्ज पोर्स हो जाते हैं. तो जो स्मॉल पोर्स जो पोर्स होते हैं वो ही लार्ज हो जाते हैं. तो वो क्यों लार्ज हो जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. जिनकी स्किन ऑयली है, ड्राई है या कॉम्बिनेशन है, मतलब ऑयली ड्राई दोनों है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं लार्ज ओपन पोर्स होने के. बट जिनकी नॉर्मल स्किन होती है, ना ज्यादा ड्राई ना ज्यादा ऑयली, उनकी स्किन बेस्ट होती है और वो गॉड गिफ्टेड है. और आई थिंक वो बहुत ही रेयर है, कुछ ही लोग होंगे जिनकी नॉर्मल स्किन होगी, ना ज्यादा ऑयली होगी ना ज्यादा ड्राई होगी, तो उन लोगों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं होती है. बट ये प्रॉब्लम टीनेजर्स में भी होती है. आप देखिएगा यहाँ पर आपके डॉट 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 डॉट्स ऐसे दिखते हैं, ओपन पोर्स दिखते हैं. तो वो किस वजह से होती है कि आपकी स्किन ज्यादा ऑयली है, पिंपल प्रोन स्किन है, ऑयली ज्यादा होगी तो मतलब पिंपल्स एक्ने होने के चांसेस ज्यादा होंगे. उन लोगों के जल्दी होते हैं ओपन पोर्स क्योंकि उनकी जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस टाइम पे, तो उससे ज्यादा एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन होने लगता है और ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होने के कारण जो पोर्स हैं वो वाइडली ओपन हो जाते हैं. और जो 30 प्लस होते हैं, जिनकी मैच्योर स्किन होती है, उसमें धीरे धीरे इलास्टिन और कोलेजन प्रोटीन्स का प्रोडक्शन अपने आप कम होने लगता है. कोलेजन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है स्किन का, और इलास्टिन जो है वो स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करके रहता है, मतलब स्किन को टाइट करके रखता है, लिफ्ट करके रखता है. तो जब ये प्रोटीन्स कम होने लगते हैं, धीरे धीरे इनका प्रोडक्शन कम होने लगता है, ये लूज होने लगते हैं, तो हमारी स्किन भी लूज होने लगती है, जिसकी वजह से ओपन पोर्स विजिबल होने लगते हैं फेस पर. मेन रीजंस हैं लार्ज ओपन पोर्स के, वो हैं एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन. जब हमारी स्किन ग्लैंड ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगेगी तो वो ऑयल नोज, चीक्स एंड फोरहेड, यहाँ पर ज्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है. ज्यादा ऑयल एक्यूमुलेट होगा तो वहां पे डर्ट, ग्राइम भी डिपॉजिट हो जाएगा, और डर्ट डिपॉजिट होगी तो एक्ने पिंपल्स जल्दी होने लगेंगे. तो इसकी वजह से ही ओपन पोर्स होने लगते हैं. सेकेंड जो रीजन है वो है एक्सपोजर टू यूवी रेज. जितना ज्यादा आप सन एक्सपोजर, आपका सपोज काम ही ऐसा है कि आपको पूरे दिन बाहर फील्ड में ही काम करना है, आपको सन का एक्सपोजर ज्यादा मिल रहा है आपकी बॉडी को, तो उससे यूवी रेज बहुत हार्मफुल होती है स्किन के लिए. देन है थर्ड रीजन है कि जो मैच्योर स्किन होती है, मैच्योर स्किन जिनकी होती है 30 प्लस में, तो वो एजिंग की वजह से फिर होने लगती है प्रॉब्लम. फोर्थ इज जेनेटिक. जेनेटिक होता है, अगर आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, किसी को भी आपके पेरेंट्स में है, या मतलब जेनेटिक होता है, फैमिली में अगर किसी को प्रॉब्लम है लार्ज ओपन पोर्स की, तो वो आपको होने की भी चांसेस ज्यादा रहती है. अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी नेचुरल रेमेडीज बताने जा रही हूँ जो DIYs हैं, जो आप इजीली घर पर बना सकते हैं और अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं. इससे आपके लार्ज ओपन पोर्स काफी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, और वो विजिबल नहीं होंगे उतने ज्यादा जितने अभी दिखाई देते हैं. सो द फर्स्ट रेमेडी इज टू प्रिपेयर ग्रीन टी आइस क्यूब्स. ग्रीन टी, एज यू ऑल नो, ग्रीन टी हैज मेनी एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इट ऑल्सो हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो कि एक्ने से फाइट करता है. तो जितना भी एक्सेस ऑयल और डर्ट होता है वो सारा पोर्स से रिमूव कर देता है.
तो इसलिए सबसे पहले हम ग्रीन टी आइस क्यूब्स बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी लिया है थोड़ा सा, उसमें ग्रीन टी ऐड कर दिया है, और आप या फिर ग्रीन टी बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी ग्रीन टी आप यूज़ कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक हो, फ्लेवर्ड ग्रीन टी ना। ग्रीन टी हमारे पोर्स को श्रिंक करने में बहुत हेल्प करता है। ये हमने साइड में रख दिया है ठंडा होने के लिए। ग्रीन टी कूल डाउन हो चुकी है, अब इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया है और इस आइस ट्रे में पोर करके रख देंगे फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए। तो 4 to 5 hours का टाइम लग जाएगा फ्रीज होने में। ग्रीन टी आइस क्यूब्स आर रेडी टू यूज नाउ। अब एक कॉटन का कपड़ा ले लें या फिर हैंकी ले लें, उसमें आइस क्यूब्स रख लेंगे क्योंकि डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है आइस क्यूब्स को। अब इस तरह से स्लोली स्लोली डैप करेंगे पूरे फेस पर सर्कुलर मोशन में। ग्रीन टी आइस क्यूब्स की जगह हम क्यूकम्बर या फिर रोज़ वाटर के आइस क्यूब्स भी फ्रीज करके अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इक्वली वर्क करता है। तो आपको 5 minutes तक आइस क्यूब्स को रब करना है, उसके बाद आप सीरम या मॉइस्चराइजर जो भी अप्लाई करते हैं वो लगा लेना है। देखेंगे आपके पोर्स धीरे धीरे विजिबल होना कम होते जाएंगे। सेकेंड रेमेडी में हम मुल्तानी मिट्टी फेस पैक बनाएंगे, जिसमें मैंने एल्प्स गुडनेस का मुल्तानी मिट्टी लिया है। ये एक्सक्लूसिवली purple.com पर अवेलेबल है। आप कोई भी मुल्तानी मिट्टी यूज कर सकते हैं। तो फेस पैक बनाने के लिए मैं 1 teaspoon मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ। अब इसमें 2 drops टी ट्री एसेंशियल ऑयल की ऐड करनी है। ये एक्ने पिंपल्स को प्रिवेंट करता है और मुल्तानी मिट्टी स्किन से एक्सेस ऑयल रिमूव करने में हेल्प करती है और पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प करती है। इसके बाद थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन ऐड कर रही हूँ और फिर रोज़ वाटर पेस्ट बनाने के लिए। फेस पैक रेडी हो चुका है, अब हम इसे अप्लाई कर लेंगे। इस तरह से फेस पैक अप्लाई कर लेंगे, देन आफ्टर 15 to 20 minutes फेस वॉश करके मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेंगे। ये थी कुछ नेचुरल होम रेमेडीज जिसकी हेल्प से आप अपने ओपन पोर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं काफी हद तक। और इसके अलावा मैं कुछ टिप्स भी देना चाहती हूँ आप लोगों को, जो कि और भी ज्यादा हेल्पफुल होंगे ओपन पोर्स को रिड्यूस करने में। टिप नंबर 1, ऑलवेज कीप योर स्किन क्लीन। हमेशा अपनी फेस को क्लीन रखें, एटलीस्ट 2 times आपको फेस वॉश जरूर करना चाहिए पर डे, जब भी आप बाहर से आते हैं तब और एक मॉर्निंग में। तो सेकेंड टिप है कि हमेशा मेकअप अपना रिमूव करके ही रात में सोएं। टिप नंबर 3, एक्सफोलिएट 2 times इन अ वीक। एटलीस्ट आपको वीक में 2 times स्क्रब जरूर करना है। सो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर वो फर्दर वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो। और नीचे एक बेल नोटिफिकेशन भी आता है तो उस पर उसको ज़रूर क्लिक कर दें।